हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2 लेकर आया हूं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था। मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी कंसेप्ट को देखा था, जैसे आप लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, जो कि होता था आपका डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। इसी तरीके से लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल वाई, जो कि होता था डी एक्स अपॉन डी वाई, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बात किया। इससे रिलेटेड जो भी हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा था प्रीवियस वीडियो में, वो हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे, जो कि आज हम लोग को सीखना है, क्या सीखना है, एफ जी का होल डैश जो होता है वो एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ के बराबर। इसका हम लोग प्रूफ सीखने वाले हैं। तो प्रूफ सीखने के पहले सबसे पहले आप रिमाइंड कीजिए कि एफ डैश एक्स का डिफिनेशन हम लोगों ने क्या सीखा था। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बराबर बटा एच, ये हम लोग सीखे हैं, सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम लोग इसी डिफिनेशन को यूज करके हम इस रिलेशन को प्रूफ करेंगे। तो देखिए आइए क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो एच डैश एक्स, सबसे पहले हम लोग को एच डैश एक्स लिखना है। तो एच डैश एक्स का जो डिफिनेशन हम लोग लिखने वाले हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच एफ जी एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स बाई एच। ये हम लोग कैसे लिखे, हम लोग कैसे एफ डैश एक्स के डिफिनेशन। लेकिन अगर एच एक्स को हम लोग ऐसा मान लें कि ये एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा, तो अगर हम एच डैश एक्स निकालते हैं तो इसका ये डेरिवेटिव आपको दे देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसमें देखिए एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स जी एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स और अपॉन क्या हो जाएगा। अब अगर इसमें किसी को दिक्कत ना हो तो इसमें हम लोग सेम टर्म को जोड़े हैं और घटाए हैं, तो सेम टर्म को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या होगा, आपका रिजल्ट वही रहेगा, ठीक है। तो अब आगे आपका क्या करना है, इसमें देखिए, इसमें देखिए ये वाला टर्म को देखिए और ये टर्म को देखिए, इसमें से हम gx plus h को बाहर करते हैं। तो यहाँ पे अगर बाहर कीजिएगा तो देखिए gx plus h को हम लोग बाहर कर देते हैं, इसको fx plus h और यहाँ, तो यहाँ पे बचा लिमिट h tends to 0 fx plus h minus of fx by h, यहाँ यही बचा। अब इधर वाले टर्म में यहां से आप एफ एक्स को कॉमन कीजिए, दोनों में एफ एक्स है तो यहां पे एफ एक्स कॉमन कीजिएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 जो है आपका होगा जी एक्स प्लस एच माइनस ऑफ जी एक्स, है ना, और यहां पे आपका एच बचा। तो क्या ये आप लोगों ने देखा है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव जिसको एफ डैश एक्स लिखा जाता है, तो यहाँ पे अगर लिमिट लीजिएगा तो ये जी एक्स बन जाएगा और यहाँ पे ये जो है एफ डैश एक्स लिखा जाएगा और यहाँ पे जो है ये एफ एक्स और इसको लिखेंगे हम लोग जी डैश एक्स। तो ये आपका जो है आ गया आपका डिफिनेशन कौन सा, आपका आ गया इसका एच डैश एक्स जो आ गया आपका वो जी एक्स इंटू f dash x plus fx into g dash x, जो कि हम लोग ये रिजल्ट को प्रूव करें। अब ये देखिए gx into f dash x plus fx into h dash x g dash x, इसको क्या लिख देंगे, hx को क्या आप लोगों ने देखा था, hx को देखा है आप लोगों ने fx into gx। तो अगर इसको आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं fx पूरे को gx का होल डैश, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एफ एक्स इंटू जी एक्स का होल डैश जो है आपका जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये आपका ये रिजल्ट प्रूव करना था।
तो ये था आपका कि इसका प्रूफ हम लोग कैसे देखेंगे। अब इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं, इसी को हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं, जो कि हम लोग उसका भी फॉर्मूला डिफरेंट फॉर्म में देखेंगे। तो ये था, अगर आपको समझ आया, इसका कुछ नहीं किया गया, बस इस रिलेशन को यूज करके ये रिलेशन को प्रूव किया गया है। आपको क्या करना था, एच डैश एक्स के डिफिनेशन मतलब एफ डैश एक्स कैसे लिखते हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। तो यहाँ पे हम लोग एच डैश एक्स को इस फॉर्मेट में एफ एक्स मानकर हम लोग इसको हम लोग डिफिनेशन को यूज कर ले। तो अगर एच एक्स को ये माना गया है तभी तो ये, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये वाला मिलेगा आपको, मतलब ये जो है इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसका डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा, इसीलिए हम उसको माने हैं। तो अगर यहाँ पे आपको अगर समझ आया होगा तो हम लोग नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगला कंसेप्ट आपके लिए आया है, जैसे देखिए यहां पे अगर हम कुछ रूल पढ़ेंगे, डिफरेंट रूल फॉर डिफरेंशिएशन, इसमें हम लोग सबसे पहला जो रूल पढ़ेंगे वो प्रोडक्ट रूल है आपका। प्रोडक्ट रूल पहला, सबसे पहला रूल है प्रोडक्ट रूल। इसमें आपको एफ जी डैश को आप लिखे थे एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ, लेकिन अगर हम डी अपॉन डी एक्स इंटू यू इंटू भी अगर लिखा जाए तो यू को रखते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ भी, और अगर भी को रखते हैं तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू। इसका ये जो ये कहलाता है फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। अगर कोई फंक्शन प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब पहला फंक्शन को रखना है दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन को रखना है पहला का डिफरेंशिएशन, मतलब डी अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में भी का डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में यू का डिफरेंशिएशन, मतलब पहला फंक्शन को रखें सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन को रखें फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब अगर इसी फॉर्मूले को अगर मतलब प्रोडक्ट रूल अगर थ्री फंक्शंस के लिए अगर लगाते हैं, इसी में अगला टॉपिक कि प्रोडक्ट रूल फॉर थ्री फंक्शन अगर इसी को हम लोग तीन फंक्शन के लिए यूज करते हैं, डी अपॉन डी एक्स यू वी एंड डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप दो का रखें तो u v को अगर आप रखते हो तो d अपॉन डी एक्स ऑफ w, कोई दिक्कत, ये दोनों को रखें डबलेट। अब यहाँ पे अगर v w को रखा जाए v w तो d अपॉन डी एक्स ऑफ u, कोई दिक्कत, और यहाँ पे अगर आपको रखा जाए u w को u v u u w, तो UW को अगर आप रखते हैं तो D अपॉन डी एक्स ऑफ भी, जो कि ये था आपका प्रोडक्ट रूल ऑफ थ्री फंक्शंस के लिए, जो कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो आई नेक्स्ट जो आपका जो है इससे रिलेशन प्रोडक्ट रूल से ही एक रिलेशन और आपको लिखना है, क्या जानना है भाई, तो इसको अगर आप लिख लिए होंगे तो यहाँ पे मिटा दें। एक और अगर रिलेशन है आपका क्या, तो यहाँ पे एफ जी एच का होल डैश अगर लिखा हुआ है पूरे का होल डैश, तो पहले एफ जी को रखेंगे एच डैश का, फिर प्लस करना है। अब अगर आप जी एच को रखेंगे तो एफ डैश, और फिर अगर आप एफ एच को रखते हैं तो आपका किसका हो जाएगा, जी डैश का जो है डिफरेंशिएशन होगा। तो ये था आपका प्रोडक्ट रूल में तीन रिलेशन। अब एक और चीज, नया चीज अभी पढ़ने वाले हैं जो कि आपको लगेगा कि ये रिजल्ट कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये आपको नोट डाउन कर लें, क्योंकि अगर दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो पहला फंक्शन को रखेंगे दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा फंक्शन को रखेंगे पहला, और यही चीज सेम अगर तीन फंक्शन है तो इस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग जो है सीखेंगे अभी, जस्ट उसको कैसे प्रूव करना है।
ये बहुत ही अच्छा है जो 12th बोर्ड देने वाले हैं, 12th बोर्ड के लिए जो है ये बहुत ही अच्छा वीडियो है जो कि उनको एग्जाम देना है, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब देखिए यहाँ पे अगर FGH का होल टेस्ट वो अगर आप क्या लिख दें, यहाँ पे देखिए इसको प्रूव करना है, 1/2 FG का होल टेस्ट इंटू एच, फिर प्लस में GH का होल डैश इंटू एफ प्लस, और यहाँ पे FH का होल डैश इंटू जी। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे हम लोग, तो प्रूव कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लोग ये डिफिनेशन को क्या लिखते हैं, FGH डैश को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, FGH का होल डैश को हम लोग ये भी तो लिखते हैं, FG को रखते हैं तो एच डैश का डिफरेंशिएशन है ना, इसी तरीके से अगर हम जी एच को रखते हैं तो एफ डैश का डिफरेंशिएशन, इसी तरीके से आप अगर एफ एच को रखते हैं तो जी डैश का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे 2 लाना है तो 2 यहाँ भी गुना करेंगे, 2 यहाँ भी गुना करेंगे, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/2, इसको हम क्या लिखेंगे, FGH डैश प्लस FGH डैश, दो बार लिख देंगे कि नहीं, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसको लिखा जाएगा GHF डैश प्लस GHF डैश प्लस FH G डैश प्लस FH G डैश, ऐसा। तो यहां पे अब आपको FH G डैश और FH G डैश दो बार इसको लिखना था। अब इसके साथ हमको क्या करना है कि यहां पे G डैश और एच डैश हमको देखना है, तो यहाँ पे लाना है आपको एफ जी का होल डैश। तो एफ जी का होल डैश मतलब किस कैसे आएगा, किसके साथ आएगा, तो इसको और इसको अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे एच डैश था तो एफ जी का होल डैश, और ये क्या आ जाएगा एफ जी। तो यहाँ पे आपको लाना है क्या, इसमें इसमें देखिए एफ जी तो मतलब क्या, उसको पूरा का होल डैश लिखना है, मतलब कि अगर हम इसमें ले लें और इसमें ले लें, किसमें ले लें, एफ डैश है ना, जी एफ जी एच डैश एफ जी एच डैश और जी एच एफ डैश, इसको लिख दिए जी एच एफ डैश और जी एफ डैश। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे देखिए जरा, यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं जैसे हमको लाना है क्या जी एच का होल डैश इंटू एफ। तो जी देखिए यहाँ पे जी है ना, जी यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, तो जी एच डैश और जी एच डैश, तो यहाँ पे आपको किसके साथ जाना होगा, हाँ इसके और इसके साथ अगर आप जाएंगे तो ये वाला रिलेशन आपका आ जाएगा जी एच डैश। तो इसको और इसको अगर आप मिलाते हैं तो ये आपका ये वाला मिलेगा, तो इसको लिखेंगे जी एच का होल डैश इंटू एफ प्लस। अब आपको एफ जी को देखना है, तो एफ जी किस में आएगा आपका, एफ जी आपका जो है जी डैश यहाँ पे दिखा और आपको एफ डैश जी एफ डैश इसके साथ और इसके साथ, तो ये आपको मिल जाएगा एफ जी का होल डैश इंटू क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। अब बाकी बचा ये दोनों में आपको और ये दोनों में, तो आपको क्या मिलेगा जी FH का होल डैश इंटू जी। अब ये लिखा गया कैसे, मतलब कि अगर इसको हम देखें पहले के लिए, इसको और इसको देखा आप लोगों ने जी एच, तो जी डैश यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है और एच डैश यहाँ, तो पूरे को ऐसे होल करके लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ये रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने ये रिजल्ट को यूज किया, एफ जी एच डैश प्लस जी एच एफ डैश प्लस एफ एच इंटू जी डैश। तो ये था आपका तीसरा रिजल्ट जो कि प्रोडक्ट रूल से ही था। अब हम लोग नेक्स्ट जो कंसेप्ट सीखने वाले हैं वो कोसेंट रूल देखेंगे अभी हम लोग। तो देखिए यहाँ पे यहां पे आपको कोसेंट रूल में क्या है, कोसेंट रूल
कोसेंट रूल में आपका क्या है कि d अपॉन डी एक्स u बाई वी अगर रहेगा तो d अपॉन डी एक्स मतलब कि u को अगर रखते हैं तो v का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ v को रखते हैं तो d अपॉन डी एक्स ऑफ u है ना बटा वी स्क्वायर। ये आपका कोसेंट रूल है कि u को रखना है भी का डिफरेंशिएशन भी को रखना है यू का डिफरेंशिएशन बटा भी स्क्वायर। जैसे जो भी अगर डिवाइड के फॉर्म में अगर डिफरेंशिएशन आपको करना है तो आपको ये कोसेंट रूल आपको याद रखना होगा। जैसे देखिए कई बार आपको ऐसा देगा डी अपॉन वी एक्स वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन बाई वन माइनस साइन एक्स। इस तरीके का अगर आपको जो है डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे कीजिएगा कैसे कीजिएगा। सबसे पहले वन माइनस साइन एक्स और ये चेक करना है कि एट एक्स बराबर पाई बाई टू पे आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। इसका मतलब एट एक्स बराबर पाई बाई टू पे तो यहाँ पे सबसे पहले तो भी का होल स्क्वायर। अब क्या करना है कि यू को रखेंगे तो यू को रखें तो वन माइनस कॉस एक्स। अब भी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। माइनस साइन क्यूब भी लगा हुआ है माइनस ऑफ क्या हो जाएगा आपका भी को रखिए तो वन माइनस साइन एक्स और यहाँ पे यू का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। ये अगर पाई बाई टू आप रखते हो तो देखो पाई बाई टू यहाँ रखोगे तो वन माइनस वन जीरो यहाँ पे पाई बाई टू जीरो और यहाँ पे अगर आप पाई बाई टू रखते हो तो जीरो बाई जीरो और ये जो है जीरो बाई जीरो है मतलब कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है मतलब नॉट डिफरेंशिएबल मतलब कि नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब जीरो जीरो मतलब ये मीनिंगलेस हो गया जो कि ये डिफरेंशिएशन इसका हम लोग मीनिंगलेस हो गया। तो मीनिंगलेस हो गया तो ये आपको सबसे पहले अगर कोई भी अगर कोसेंट रूल से आप अगर निकालते हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर कोई वैल्यू दिया है एट एक्स बराबर पाई बाई टू पे अगर तो आपको सबसे पहले वो डोमेन में है या नहीं वो चेक करना है। तो बिफोर फाइंडिंग एफ डैश एक्स है ना चेक f x बराबर a इज इन डोमेन और नॉट मतलब डोमेन में है या नहीं है उसको आपको चेक करना है। तो इससे रिलेटेड आपको क्या पता चला कि अगर कोसेंट रूल में कुछ भी दिया हुआ है अगर इस तरीके का अगर पाई बाई टू पे तो पहले आप चेक कर लें कि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग ये डोमेन में इसका है या नहीं इस वैल्यू पे ये मीनिंगलेस आ रहा है तो इस वैल्यू पे पहले रख कर आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पे उस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं क्या लिखना है बिफोर फाइंडिंग एफ डैश एक्स चेक चेक x बराबर a एज एग्जिस्ट इन डोमेन डोमेन और नॉट। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कभी भी अगर कोसेंट रूल से आप निकाल रहे हैं चाहे f डैश x f डैश a एफ डस ए फाइंड करने से पहले बिफोर फाइंडिंग एफ डस ए चेक एक्स बराबर ए एग्जिस्ट इन डोमेन और नॉट मतलब कि अगर एक्स बराबर ए पर अगर किसी भी फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले एफ डस ए चेक कर लें कि वो डोमेन में है या नहीं। अगर डोमेन में नहीं है तो आप नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है तो ये था आपका कोसेंट रूल। अगला कंसेप्ट आपको है सीखना अगला कंसेप्ट अगर आपको दिया हुआ है d अपॉन डी एक्स एफ प्लस माइनस जी तो इसको क्या करेंगे d अपॉन डी एक्स एफ प्लस माइनस d अपॉन डी एक्स जी
ऐसा आप कर सकते हैं इसको, मतलब इसको अलग अलग आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब अगर प्लस माइनस में दिया हुआ है तो अलग अलग आप सेपरेट करके इसको लिख सकते हैं। अब कुछ आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, जैसे ये बहुत सारा चीज मैंने बताया कि अब एक आया आपका लास्ट कंसेप्ट ये, अगर कोई भी फंक्शन अगर आपको ऐसे दिया है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, तो क्या करेंगे इसको, जैसे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का पहले कर लेंगे, उसके बाद प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का कर लेंगे, अब दोनों का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अब कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, मतलब अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर फंक्शन ऐसा दिया रहेगा तो आप इस तरीके से इसको अलग कर लेंगे। अब अगला कंसेप्ट आपका है जैसे देखिए अगला कंसेप्ट चेन रूल, चेन रूल है, चेन रूल, चेन रूल को समझने के लिए हमने माना कि एफ एक्स वाई बराबर एफ यू मान लिया और एंड एक्स बराबर जी यू मान लिया हम लोगों ने। अब इसको जो है आप कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, देन अगर इस तरीके का फंक्शन y बराबर एफ यू एंड x बराबर जी यू दिया हुआ है, देन वी कैन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई चैन रूल, चेन रूल से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि अगर ये u दिया हुआ है तो इसको आप u के ही रिस्पेक्ट में कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, तो इसमें यहाँ पे अगर u के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो डी वाई बाई डी यू एफ डैश यू होगा, और इधर करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी यू क्या हो जाएगा, जी डैश यू हो जाएगा। अब आप अगर निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, अगर निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, डी वाई को इधर लिखिए है ना, और डी एक्स को यहाँ, और डी यू यहाँ लिख दीजिए, और डी यू अपॉन डी एक्स, तो क्या डी एक्स अपॉन डी यू निकाले हैं, तो क्या डी 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 एक्स अपॉन डी यू नहीं निकल जाएगा, इसका उल्टा, मतलब आप लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू, मतलब यहां पे आप डी एक्स अपॉन इसको उल्टा कीजिएगा तो डी एक्स अपॉन डी यू हो गया। तो ये ऐसा अगर फंक्शन दिया रहेगा तो आप चेन रूल यूज करके आप कर सकते हैं। चेन रूल में दो तरह का फंक्शन दिया रहेगा, u के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किए और u के रिस्पेक्ट में इसको भी किए, और अगर इस तरीके का फंक्शन अगर दिया रहेगा तो dy by d, अब dy by dx को कैसे सेपरेट किए, dy by dx dy और dx du से दोनों में मल्टीप्लाई किए, यहां भी मल्टीप्लाई यहां भी, तो अगर मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़े, अब इसको सेपरेट करके हैं ऐसे लिख दिए। अब du upon dx अगर निकला हुआ है तो dx upon du नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपका ये था चेन रूल, तो चेन रूल अगर आप क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग करेंगे तो वहां पे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चेन रूल का अभी हम लोग जैसे एक एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे हम लोग 2 to the power x का अगर डिफरेंशिएशन करना होता है तो पहले क्या करेंगे, 2 to the power x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 to the power x log 2 होता है, अब x का डिफरेंशिएशन आपको करना होगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये चेन रूल हुआ कि पहले तो इसका किए और फिर ये जो बचा ऊपर में, तो ये चेन रूल से आपका अंदर से बाहर की ओर हम लोग डिफरेंशिएट करते हुए जाते हैं। तो ये था आपका चेन रूल, अगर आपको समझ आया होगा, जैसे आपको मान लीजिए कि एग्जांपल अगर समझ आया 2x का पावर 2 का पावर x बाई 2 दिया हुआ है, तो पहले इसको 2 का पावर x बाई 2 इंटू लॉग 2 और x बाई 2 का 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका चेन रूल, मतलब अंदर से बाहर की ओर हम लोग डिफरेंशिएट करते हुए जाते हैं। तो ये था आपका चेन रूल। अब कुछ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड फॉर्मूला जो है आपको याद रखना होगा, जो कि अभी हम लोग लिखेंगे उसमें, तो मैं लिखने वाला हूं आपका डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला, जो कि किस तरीके से उसको डिफरेंशिएशन में याद रखना है, जो कि आपका ये बहुत ही अच्छा सेशन, जो कि जो बच्चे हमारे पढ़ना चाहते हैं इस लेक्चर को, बहुत ही अच्छे से ये लेक्चर को किया गया है, तो आप इससे बहुत ही फायदा उठा सकते हैं। जैसे कुछ लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन
जैसे सबसे पहला d अपॉन डी एक्स, x टू दी पावर n का। तो पहले अगर ऐसा रहेगा आपका, ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, अगर ऐसा रहा तो n को पावर को मल्टीप्लिक से x टू दी पावर n माइनस वन, मतलब तो पावर को गुना में लाना है x टू दी पावर d अपॉन डी एक्स e टू दी पावर x का अगर डिफरेंशिएशन तो यही हो जाएगा आपका d अपॉन डी एक्स 2 का पावर x, अगर रहा 2 का पावर x तो 2 का पावर x log 2 हो जाता है। d अपॉन डी एक्स अगर आपका डिफरेंशिएशन करना है आपका 1 बाई x का, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बटा x स्क्वायर। अच्छा, d अपॉन डी एक्स ऑफ log x, तो log x का अगर डिफरेंशिएशन तो 1 बाई x होता है। अब इसी तरीके से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का d अपॉन डी एक्स ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x, cos x का होता है माइनस sin x। इसी तरीके से d अपॉन डी एक्स का tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। अब इसी तरीके से d अपॉन डी एक्स जो होता है cot x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसी तरीके से और भी है, तो यहाँ तक अगर आप नोट डाउन कर लिए हैं तो आगे हम लोग और भी फॉर्मूला जो है लिस्ट देखेंगे। तो यहाँ इधर अगर मिटा दें, अगर आप नोट डाउन कर लिए हैं तो इधर से मिटाते हैं। और आपका क्या है, अभी जैसे कॉट एक्स हो गया डी अपॉन डी एक्स अपॉन सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan x, आपका sec x into tan x होता है। आपका d upon dx of एक लास्ट फंक्शन आपका बच गया cos x, तो cos x का होता है minus cos x into cot x। तो ये था कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड था जो कि हम लोग को याद रखना है। अब यहाँ पे आपका कुछ जो है इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड, तो d of dx sin इनवर्स x का जो है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा आपका। ये डिफरेंशिएशन याद रखना है, मतलब d ऑफ डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x जो कि आपको ये माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर याद रखना है। उधर अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो उसको हम लोग मिटाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो है मिटाते हैं सर, फिर से आपको अब यहाँ पे देखिए d ऑफ डी एक्स, अब यहाँ पे tan इनवर्स x का अगर डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये आपका था। अब cot इनवर्स x का अगर आपको याद रखना है तो ये याद रखिएगा माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, sec इनवर्स का अगर आपको याद रखना है तो sec इनवर्स x का होता है आपका मॉड एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद रखना है sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लीजिए, गलती से लिखा गया है x स्क्वायर माइनस 1 और cosec इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा आपका मॉड x है ना अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 माइनस के साथ। तो ये था कुछ डिफरेंशिएशन, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो a टू दी पावर x log a होता है। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन से फॉर्मूला है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आपको ये याद करना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब भी प्रीवियस वीडियो अगर आपको समझना होता है तभी आप नेक्स्ट वीडियो को समझ सकते हैं। जैसे आप अगर प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख चुके हैं तभी आप नेक्स्ट वीडियो को आप समझ सकते हैं।
ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2, जो कि बहुत सारे कंसेप्ट इसमें आपको बताया गया है। तो इसको अच्छे से वॉच करें और लोगों को बताएं, शेयर करें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।